हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 के पोस्टपोन होने के बाद द बीसीसीआई ने आईपीएल को दुबई यानी कि यूएई में शिफ्ट करने का पूरा मन बना लिया है, जहां पर यूएई की गवर्नमेंट की साइड से भी अब बीसीसीआई को रिक्वेस्ट की जा चुकी है कि आईपीएल 2021 को जब चाहें वो यूएई में ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि बीसीसीआई ने जो टाइम विंडो दी है आईपीएल को करवाने की, यानी कि सितंबर के महीने में आईपीएल की, वो किस तरीके से प्रोसीड होगा, क्या इसका कार्यक्रम होगा और किस तरीके से बीसीसीआई ने इसका पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2021 पोस्टपोन होने के बाद बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बात को क्लियर किया था कि भारत इंग्लैंड सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के बीच में आईपीएल 2021 आप लोगों को उस टाइम विंडो के बीच में देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसकी एस्टिमेटेड डेट हमारे सामने निकल कर आई है वो है 20 सितंबर से लेकर अक्टूबर के सेकंड वीक तक इनको आईपीएल को खत्म करना पड़ेगा। ये बात हमको आपको ऑलरेडी चैनल के ऊपर बता चुके हैं। तो अगर आप लोग इस ड्यूरेशन को ध्यान से देखें तो 20 सितंबर से लेकर अक्टूबर के सेकंड वीक तक, यानी कि 20 से लेकर 25 दिन का टाइम आईपीएल को करवाने का बीसीसीआई के पास रहने वाला है। और गाइज, अब अगर बात की जाए कि किस तरीके से खाका तैयार किया जा चुका है, तो अगर हम करेंटली आईपीएल को देखें तो आईपीएल 2021 के आप लोगों को 29 यानी कि 29 मैचेस देखने को मिले थे। 30वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच जो होना था वो कैंसिल कर दिया गया था। तो अब उसको छोड़कर बाकी 31 मैचेस बचे हुए हैं, यानी कि 31 मैचेस बचे हुए हैं, और इसको करने के लिए बीसीसीआई के पास उस टाइम विंडो में सिर्फ 20 ही दिन रहने वाले हैं। यानी कि अब बीसीसीआई ने इस बात पर काम करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से उन 31 मैचेस को 20 अलग अलग दिनों में डिवाइड किया जाएगा, जहां पर जो करंट प्लान हमारे सामने, जो करंट अपडेट निकल कर आई है इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से, उसके हिसाब से हर अल्टरनेट डे पर आप लोगों को डबल हेडर मुकाबला देखने को मिलेगा। अब यहां पर बीसीसीआई ने काफी अच्छा दिमाग लगाया है। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकली समझें तो केकेआर और आरसीबी के बीच में पहले दिन आप लोगों को एक मैच देखने को मिलेगा, लेकिन जो अगला दिन होगा उसमें आपको दो मैचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला मैच होगा SRHMI का, तीसरा मैच होगा CSKRR का। उसके बाद अगले दिन फिर से एक मैच होगा और उसके बाद अगले दिन फिर से डबल हेडर होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 20 दिन में ही बीसीसीआई पूरे 30 मैचेस करा लेगी इस रेट से, अल्टरनेट डेज पर अगर वो डबल हेडर्स रखते हैं तो। बहुत ही सटीक प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान बीसीसीआई की तरफ से उस छोटी सी विंडो में आईपीएल को कंप्लीट करवाने के लिए निकल कर आया है, क्योंकि इतनी छोटी ड्यूरेशन में आईपीएल कराना इतने तगड़े प्लान और इतने तगड़े खाके के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से आईपीएल 2021 वापस से रिज्यूम होना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।